कलर कॉस्मेटिक मेबलिन फेसेस लैक्मी नाइन प्लस कलर बार स्किन केयर में ओशिया वाओ रिच फील रागा और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में पायल ब्यूटी कॉर्नर। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा कौसा में जिस तरह स्कूल के फीस को माफ़ करने के लिए जो है आवाज़ उठी थी, कहीं ना कहीं जो है एनसीपी के नगर सेवक शानू पठान और शमीम खान साहब इन लोगों ने इसके लिए जो है एक मीटिंग की और एक कमेटी भी बनाई और मुमरा कौसा के तमाम स्कूलों को जो है अपना एजेंडा बताया और उन्हें इस एजेंडे के तहत जो है काम करने के लिए कहा कि इस एजेंडे में जो जो मांग की थी उसके तहत जो है फीस माफ़ की जाए। और आज मुमरा कौसा के तमाम स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं जो ट्रस्टी हैं उनसे मुलाकात की है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि कौन कौन से वो स्कूल हैं जो फीस जो इनका एजेंडा था उस पर वो तैयार हुए हैं, क्या कितने स्कूल हैं पूरा और क्या क्या उन स्कूलों के नाम हैं। शमीम भाई, कौन कौन से स्कूल हैं जो आपके एजेंडे को माने हैं? देखिए, मैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे देश को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी डायमंड हॉल में, जिसको हमने और शानू पठान साहब ने, शादाब खान सर ने, हमारी भाभी रूता अवार्ड साहबा, सैयद अली अशरफ भाई साहब, ऐसे तमाम लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने, हमारे नगर सेवकों ने वहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी। और वहाँ पर हमने यही बात रखी थी कि जो महामारी की हालात है उसे देखते हुए आज लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोग तकलीफ में हैं। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो स्कूल के ट्रस्टी और प्रिंसिपल्स हैं उनके पास हम दो दिन के बाद आकर के, हमारी ये जो कमेटी है आकर के मुलाकात करेगी। उस वादे के मुताबिक आज सुबह 11 बजे से लेकर के अभी मेरे ख्याल से टाइमिंग 3:05 हो गया है, 3:05 तक हम लोग जा करके 15 स्कूल और कॉलेज में लोगों से मुलाकात किए, स्कूल और ट्रस्टीज से। अल्लाह का बड़ा एहसान है और मैं ये 15 स्कूल और ट्रस्टीज का जिन्होंने हमारी इन हमारे इन एजेंडों को लेकर के जो हमारे हमारे शहर के इन जो पेरेंट्स की ज़रूरत थी उसे उन्होंने तस्लीम किया और उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया। चाहे जिस तरीके से मैं मुबारकबाद देता हूँ मनीष जोशी साहब को भी और एजुकेशन के जो ऑफिसर्स आए थे, इसमें इनका भी योगदान है कि 25% हम लोगों ने कहा कि आप जो 25% है वो आप डिस्काउंट करें यानी कम करें, थ्री मंथ की फीस मत लें, थ्री मंथ की फीस ना लेने की बात की गई है हम लोगों की तरफ से, और कोई भी अदर चार्जेस मत लें। तो ये एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट था तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह। शमी भाई, इस पे आप स्कूलों का नाम बता दें ताकि जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हो वो भी सर्टिफाई हो जाए कि कौन कौन से। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जिस तरीके से हमारी आज की ये कमेटी जाके लोगों से मुलाकात की, हम लोगों ने मुलाकात क्वीन मेरी में किया, आइडियल में किए, रहनुमा में किए, हम लोग हॉली में किए, हॉली प्रोफेक्ट में किए, नादुल फलाह में किए, आल एहसान में किए, अजबुल्ला खान सर के पास गए, रहनुमा में गए, इस तरीके से टोटल 15 स्कूल हैं और अब्दुल्ला पटेल है, एमएस क्रिएटिव है, विंसम फ्लोरा है, इस तरीके से टोटल नादुल फलाह बता दिया मैंने आपको, टोटल 15 स्कूल और कॉलेज में हम लोग गए, जाके लोगों से मुलाकात किया। और हम आपको एक लिस्ट भी देंगे, अभी पूरी लिस्ट देंगे और वो लेटर भी देंगे जिसपे उन लोगों ने हमारे जो रिक्वेस्ट लेटर थे उस रिक्वेस्ट लेटर पे उन्होंने अपना करके सिग्नेचर्स भी दे दिया है कि उन्हें कबूल है, एक्सेप्टेड है। मुबारकबाद पेश करते हैं हम इस आवाम की तरफ से कि आज आप लोगों ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की ही आवाज़ नहीं, ये आवाज़ मुमरा कौसा के उस हर पेरेंट्स की आवाज़ थी जो मुस्तहिक और तकलीफ में लोग थे। हकीकत में इस्लामुद्दीन साहब ये एक मिसाल बनेगा पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर के मुमरा कौसा एक मिसाल बना कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 0 पे आ गया और 1, 2, 3 पे हम लोग रहते हैं, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस तरीके से इंशाल्लाह ताला ये भी एक मिसाल बनेगा। और आज हम लोगों ने 15 स्कूल में विजिट किए हैं, वहाँ से हमें स्कूल और प्रिंसिपल के लोगों ने अच्छा रिप्लाई दिया है। इसके बाद कल नहीं परसों फिर 11 बजे सुबह इंशाल्लाह हम लोग राष्ट्रवादी दफ्तर से निकलेंगे और इसमें तमाम पत्रकार भाइयों का भी, आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है।
मैं आप पत्रकार भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे साथ में आप लोग बने रहे और एजुकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं प्रहार टाइम्स के माध्यम से हमेशा आवाज उठी है। मैं इसके लिए प्रहार टाइम्स के माध्यम को और तमाम मीडिया भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें जगाने में, हम लोगों को जगाने में, इस कमेटी को आगे भगाने में मीडिया का सबसे अहम रोल रहा है। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह ताला ये मुहिम आगे जारी रहेगी। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने, कुछ इस शहर में कुछ गंदे लोगों ने ऐसी हवा फैलाने की कोशिश की कि जितेंद्र अवार्ड साहब के लोग दादागिरी करते हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब के लोग जाकर के वहां पे फोर्सेस करते हैं। भाई माफ करना, हम लोग फोर्सेस करने वाले लोग नहीं है, हम लोग जितेंद्र अवार्ड साहब के सिपाही हैं, हम लोग हाथ जोड़ के बात करने वाले लोग हैं। हम कभी किसी के साथ कोई फोर्स नहीं करते, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और उस लेटर पे अगर आप देखेंगे इस्लामुद्दीन साहब, तो वहां पे रिक्वेस्ट लेटर लिखा हुआ है, वो कोई एग्रीमेंट लेटर नहीं है। तो ये जो अच्छे काम की वो लोग सराहना करें, जो लोग इसको गलत मैसेज देना चाहते हैं, सदरी पहन करके आप आकर के मीडिया में लोगों को जो मिसगाइड करते हो वो करना बंद कर दो, ये चीजें ठीक नहीं है। शमी भाई, जैसे क्विट मैरी हो गया और सिम्बोसिस हो गया, असदुल्ला नहीं, स्कूल हो माफ गया, करना, सिम्बोसिस नहीं, सिम्बोसिस ये तीन स्कूल सिम्बोसिस के जो है आए हम थे, जाएंगे पप्पू परसों। सर आए थे वहां पर, तो क्या उन्होंने जवाब दिया? नहीं, पप्पू सर से हमारी परसों मुलाकात होगी, बाकी असदुल्ला खान सर, क्विट क्विंट मैरी, मैरी और असदुल्ला खान अल्हम्दुलिल्लाह उनका तो लब्बैक है, अच्छे कामों में हमेशा उन्होंने लब्बैक कहा है और उनका लब्बैक है। लेकिन एक बात मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई, एक कोई शख्स है, मुमरा कोसा में नाम लेके बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनको कहना चाहता हूं कि सदरी पहन करके आकर के आप जो गलत मैसेज शहर में देते हैं, आवाम को देते हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब से अगर आपको लड़ाई लड़ना है पॉलिटिकल, तो उसके लिए सबसे पहले शमीम खान और शानू पठान से लड़ लो, उनकी और बराबरी आप का दूसरे नाम ही लो। ले लो ना नहीं, फिर नाम की जरूरत नहीं, उनका नाम लेके हमको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन के नाम पे गलत तरीके की बातें मत करो। ये आवाम बहुत होशियार है शहर की, ये बातें करने से कि अवार्ड साहब के लोग ये करते हैं वो करते हैं, मत करो। बल्कि मैं ये कहता हूं, आपकी सलाहियत है, आइए जितेंद्र अवार्ड साहब को कबूल कीजिए और इस मुहिम में शामिल हो जाइए। हम परसों के दिन 11:30 बजे बाकी सभी स्कूलों में जाएंगे, जैसे आज क्वीन मैरी से लेके अल नादुल फला से लेके जितने बड़े स्कूल, उन्होंने आज लब्बैक कहा और उन्होंने हमारी सहमति पे राजी किया, बल्कि कई स्कूलों ने तो 40% स्कूल फीस माफ करी है और अदर्स चार्जेस भी माफ किए, लेकिन कम से कम जो हमारी जो 25% फीस थी 3 महीने की फीस, उसके लिए तो लगभग सभी स्कूल राजी हो गए। हम आने वाले वक्त में जो मुमरा कौसा में कोविड के टाइम पे मुमरा कौसा का पैटर्न कोविड के माध्यम से पूरे देश में जाना गया है, ऐसे ही मुमरा कौसा की जो कमेटी फीस एजुकेशन की जो कमेटी है, सॉल्यूशन कमेटी बनी है, वही पैटर्न पूरे महाराष्ट्र पूरे देश में लागू होगा, ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। सर भाई, आपने सिम्बोसिस का नहीं बताया, काफी लोगों ने कॉल मैं किया है आपको हमें यही कि बोलना चाहता हूँ, सिम्बोसिस सेम्बोसिस का नहीं, क्या मैं में माफ सेम्बोसिस हो नहीं बोल पाएगा, रहा करा हूँ, पाएंगे नहीं? मैं हमको यही बोल रहा हूँ, सेम्बोसिस से लेकर सभी स्कूल, हर छोटी नहीं, और लोग हर ये बड़ी, बोल रहे हैं कि आप लोग वहाँ माफी हर नहीं करा हर पाएंगे, हर छोटी और हर बड़ी, हर छोटी और हर बड़ी स्कूल को हमें यकीन है कि वो जो हमने हमने जो मांगनी की है उस पे वो अमल करेंगे, ये हमें यकीन है। अच्छा सानू भाई, आप लोगों ने फीस के लिए इतना काम किया, अच्छा काम किया, इसके लिए आपको मुबारकबाद है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी टैक्स के मसले हैं और टोरेंट के 3 महीने के बिल के मुद्दे हैं कि इसको भी टोरेंट का भी माफ किया जाए, 3 महीने का बिल और टैक्स। टोरेंट का बिल लाखों रुपए में है, फीस का खैर अच्छी बात है माफ हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं, अच्छा पहल है, लेकिन टोरेंट पे और टैक्स पे इस पे आप लोग क्या करेंगे? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जैसे टैक्स का जो विषय है वो महानगर पालिका का विषय, और महानगर पालिका का जो जनरल बॉडी मीटिंग वो बंद है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, हमने फिर भी हमारी तरफ से प्रस्ताव भेजा है कि 3 महीने का, हम तो पूरा पैंडेमिक का टैक्स माफ करने के लिए, पानी के बिल माफ करने के लिए प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन उसके लिए महासभा जब बोर्ड होगा तो हमें यकीन है कि हम उसके लिए भी लोगों को राहत देंगे। और जहां तक टोरेंट की बात रही, गवर्नमेंट को भी ये मांगनी की गई है कि टोरेंट के बिल के ऊपर भी गवर्नमेंट राहत देना चाहिए ग्राहकों को, ये भी हमारी मांगनी है, लेकिन हम ये मुद्दे के बाद हम दूसरों मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए हमारी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हम दूसरों मुद्दों के पीछे जाएंगे। नहीं, आप लोगों ने आंदोलन किया बिल माफी को लेकर, बिल माफी के लिए आंदोलन नहीं किया, सॉरी बिल को जो है ज्यादा आया था, एवरेज बिल को लेकर, हमारा एवरेज बिल को लेकर आंदोलन आंदोलन किया था, फॉल्टी बिल फॉल्टी बिल एवरेज एवरेज बिल बिल को को लेकर लेकर आंदोलन किया। हमारा तो क्या आंदोलन आप है, लोग 3 महीने का
तीन महीने का बिल माफी को लेकर आप लोग इस पे कदम नहीं उठा सकते? देखिए मैं एक बात बोलूं आपको, मैं एक सबसे बड़ी बात, जो जमीयत उलमा के लोग हैं, आप मंत्री साहब से उन लोगों ने मुलाकात की, मंदिर मस्जिद अन्य धार्मिक स्थलों को तीन महीने के लिए माफ करने के लिए लेटर दिया, तो आप लोग भी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाते हैं कि जो है तीन महीने की बिल जो है मुमरा कौसा के लोगों की माफ किया जाए? लाखों रुपए में है, लाखों में है। देखिए मैं एक बात बोलूं, हमारे जो बिल है, अगर एवरेज बिल और फॉल्टी बिल ही अगर लोगों के सुधर गए तो लाखों रुपए की लोगों को राहत मिलेगी, जिसके लिए हमने पहले मांगनी की। हमने माननीय मिनिस्टर साहब ने, मैंने और शबीम खान साहब अध्यक्ष और हमारे सभी लोगों ने, नगर सेवकों ने मांगनी की है गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए। हम माननीय मिनिस्टर साहब जो डॉक्टर जितेंद्र राव साहब से मांग करेंगे और जाएंगे भी, लेकिन हमारा एक विषय पहले फीस पे चल रहा है, जिस पे हमको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। हम ये करने के बाद हमारे दूसरे विषयों पे इंशाल्लाह ताला काम जारी करेंगे। अभी तक टोरेंट का कैंप भी नहीं लगा, महीनों गुजर गए, महीनों नहीं, आप डेट देखिए एक महीने का उन्होंने कहा था, अभी भी 6 दिन बाकी है। उनकी तरफ से हमको लेटर आ चुका है कि आप कैंप लगाइए, और वो उसके लिए तैयार हो गए। हम डेट फाइनल करके लोगों तक पैम्पलेट के जरिए सब भेज के मुमरा स्टेशन, हमारी पार्टी कार्यालय और कौसा, ये तीन जगह पे हम कैंप लगाने वाले, बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर हम आपको डेट डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे बिल सुधारने का, बिल दुरुस्ती का, फॉल्टी बिल का कैंप लगेगा। वैसे सबुद्दीन भाई, जिस दिन ये आंदोलन हम लोगों ने किया था उसके बाद से लेकर के आज तक अगर आप जाएंगे देखेंगे तो टोरेंट ऑफिस के नीचे एक अलग से सेंटर बना दिया गया है, जिसमें एक इब्राहिम भाई नाम के आदमी हैं जो बैठे हुए हैं, और वो बिल में जो भी मिस्टेक हुई है, फॉल्टी मीटर्स है, रीडिंग ज्यादा है, वो काम उनके पास सुधार चालू हो गया है। बाकी बताया शानू भाई ने, इस तरीके से इंशाल्लाह ताला हम लोग और आगे बढ़ेंगे। शादाब सर, आपने भी जो है इसे, जैसे शानू भाई और समीर भाई ने इससे काम किया, तो आपने भी, आपका भी इसमें रोल जो है काफी अच्छा था, तो क्या कहेंगे आप जिस तरह से और स्कूलों ने फीस माफ की है, तो उनके लिए क्या है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मीडिया के, मेरे भाइयों का, कि उन्होंने इस पूरी मुहिम को हमारा साथ दिया शुरू से लेके अब तक, और आगे भी देंगे हमें इंशाल्लाह। ये हम लोगों ने, शमीम भाई थे, अशरफ पठान साहब थे, सैयद अली भाई साहब थे, मैं और ऑनरेबल हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ और मिसेज रूता आवाड़, हम सब बैठ करके उसके ऊपर डिस्कशन किए बहुत ज़्यादा, और फिर हम लोगों ने एक ऐसा एक सोल्यूशन निकालने का हम लोगों ने प्लानिंग वगैरह किया, कि ताकि सारी स्कूल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके, किसी को एकदम ज़्यादा भारी भी ना हो। तो बहुत सारी चर्चा होने के बाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में डिस्कशन करने के बाद, स्कूल के ट्रस्टीज़ और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ में डिस्कशन करने के बाद में, हम लोगों ने बहुत सारा उसके ऊपर फाइनल किया कि हमको क्या करना है इसके अंदर। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम पहले तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो लास्ट ईयर का एकेडमिक ईयर है उसका पूरा फीस आप क्लियर कर दीजिए, ये सबसे पहले हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया। उसके बाद में इस साल जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म का, पहले तीन महीने की जो फीस है और टर्म फीस आप माफ कर दीजिए बच्चों की, COVID-19 के चलते, ठीक है, और जो एक्टिविटी फीस है, ई क्लास फीस है, कराटे फीस है, वो आप चार्ज ना करें। जब दूसरा टर्म शुरू होगा, और अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि स्कूल्स फिजिकल एजुकेशन शुरू हो गया, तो उसके बाद में अगर स्कूल चालू होती है तो आप अपनी जो फीस है वो चार्ज करें बराबर से, और अगर स्कूल चालू नहीं होती है तो आप अपनी सिर्फ ट्यूशन फी और टर्म फी चार्ज करें। आप यकीन मानिए सर, हम लोगों ने जो सोचा था उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के स्कूलों ने इसको एक्सेप्ट किया, और तमाम स्कूल्स और कॉलेज मुमरा कौसा की मुबारकबाद के मीन्स मुस्तहिक हैं, आई मीन उनको, दे डिजर्व इट कम्प्लीटली टोटली। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम जब परसों स्कूल में जाएंगे तमाम स्कूल इसको फॉलो करेंगे, और ये एक पैटर्न बन जाएगा, पूरा इंडिया इंशाल्लाह इसको फॉलो करेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुमरा कौसा के जो तमाम स्कूल हैं, जिनके नाम शमीम भाई ने बताया है कि कौन कौन से स्कूल हैं जो तीन महीने की फीस और अदर फीस जो है माफ की है, और इसे जो स्कूल अभी बाकी रह गए हैं 2 दिन बाद उन स्कूलों में भी अपना एजेंडा लेकर ये जाएंगे और स्कूलों से भी फीस माफी की आग्रह करेंगे। कैमरामैन हुसैन के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।